सेवक महात्मा लोग, कितनों की मृत्यु हो गई, कितनों को मार दिया गया। राम त्रेतायुग में भी दुख झेले थे, कलयुग में भी दुख झेले थे। लोग कहे कि थे ही नहीं इंडोनेशिया, पता नहीं इनका इनके अस्तित्व को लोगों ने नकारा और ये आज स्वयं आ गए। जहाँ सुबिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुन गन पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में दिन रात सोचते खुलते रहे, जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को निरंतर रटते रहे, वो रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं और मुनियों के रक्षक राम आ गए। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। राष्ट्र राम अनुराग में तिरा, विश्व नए काल चक्र की धुरी पर घूम गया और संपूर्ण जगत राममय हो गया। जिसने राम की छवि को देखा, फिर राम का हो गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक समारोह में पूरा भारत उमड़ा। हृदय गदगद था, भावातिरेक था, मन बांधे नहीं बनता था, शब्द साधे नहीं सकता था। आज ये दिव्य स्वरूप पूरा भारतवर्ष देखेगा, पूरा विश्व देखेगा, यह आनंद का शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति भावुक है इस समय, और वो भावुकता शब्दातीत है। हर सनातनी की मनोदशा स्वाभाविक थी, हर राम प्रेमी की मनःस्थिति एक जैसी थी। रामानुराग शब्दों में कहां बनता है। त्रेता में जब राम 14 वर्षों बाद लौटे थे, तब पूरी अयोध्या ने अपने आंसू से ही उनके चरण पखारे थे। इस बार तो प्रतीक्षा 500 वर्षों की थी, संघर्षों की थी, रक्त सरिताओं, धर्म युद्धों और सनातनी बलिदानियों की आहुति से भरी थी। यही वजह थी कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिसने भी रामलला के दिव्य दर्शन किए, वो सजल हो गया। वो वर्तमान में था, पर रामलला के लिए चले सनातन संघर्ष के स्मृति पन्नों में खो गया। मेरे पास शब्द नहीं है, और बस यही भावना होती है कि जब भगवान ने ठानी है तो उसे कोई नहीं रोक सकता आने में। तो सभी भक्तों को और सभी भारतवासियों को, सभी सनातनियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। हर तरफ बस राम आगमन पर भावनाओं का ज्वार था। राम में रमे, राम में भीगे क्षण थे, लोग थे। राम मंदिर आंदोलन का अहम चेहरा रही उमा भारती, साध्वी रितंभरा और साध्वी निरंजन ज्योति जब रामलला के भव्य मंदिर प्रांगण में मिली तो भावनाएं रोक नहीं पाई। रितंभरा उमा भारती से गले मिली और रामलला के लिए चिर साधना की सिद्धि को आंसुओं की भावांजलि दी। गायक सोनू निगम से भी जब रामोत्सव की भव्यता और रामलला के दर्शन के बारे में पूछा गया तो सोनू भी निरुत्तर हो गए। जो था तो वो बस भाव था, भावनाएं थी। अभी कुछ बोले को है नहीं, बस यही बोलने को है। नेति नेति कहते गला रुद्ध हो जाए, शब्द कम पड़ जाएं, भाव कहीं शून्य में बहा ले जाए, ऐसे हैं दर्शन रामलला के। शब्द नहीं है, मैं तो नाच रही थी और रो रही थी,
प्रसन्नता के आंसू और क्या सुंदर स्वरूप है। बस धन्य भाग कि हम लोग टेक्नोलॉजी के युग में कि आप लोग घर बैठे ही देख पा रहे हैं। यहाँ के आनंद की जय हो, राम लला की जय हो, सनातन की जय हो, भारतवर्ष की जय हो, जय जयकार हो। मुक्त कंठ और भरा हृदय, धरा धन्य फैला विस्मय, यही है अयोध्या का हाल, यही है राम भक्ति का अनहद विस्तार, जिसके दर्शन के बाद अयोध्या राम के सम्मोहन में तिर रही है और राम की छवि दूर बैठे अपने भक्तों को भी तार रही है। लोग यहाँ बैठे मंत्रमुग्ध होकर राम लला के दर्शन कर रहे हैं और बेहद भावुक घड़ी ये है। कई लोगों की आंखों में पानी भर आया तो कई लोग राम लला को देखे तो देखते ही रह गए। मंत्रमुग्ध कर देने वाली ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और चलिए लोगों के मन में जो भाव हैं वो भी जानते हैं। आप लोग मुंबई से आए हैं और आज राम लला को अपनी आंखों के सामने देखकर मन में क्या भावनाएं उमड़ी? हम तो बहुत कृतज्ञ हैं कि हमको ये अवसर मिला है कि अयोध्या की पावन भूमि में हमको इधर आके ये उत्सव मनाने का अवसर मिला है। अब भगवान की अंदर जब हो रहा था तो देख रहे थे तो ऐसे मन गदगद हो रहा था कि वो बच्चे के रूप में ही हमें लग रहे थे। जब राम लला को हमने पहली बार देखा तो ऐसे पूरे शरीर में स्त्रीण हो गई, ऐसे हमारी जो वह ना शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और ऐसे देखो सामने रामलला दिख रहे हैं और मंदिर दिख रहा है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नील कमल के समान श्यामल, सुंदर सांवले और कोमल अंग वाले नयनाभिराम श्री राम, सनातन आधार प्रभु राम, मन हर्षित अपार सिया राम। एक झलक मिली रामलला की, मन स्पंदित हुआ, मुदित हुआ, शब्दों में सामर्थ्य कहा, सुंदर कहा, फिर भी भाव अर्थ अपूर्ण रहा। नीर बहे बस लोचन से, अब शब्द कहा, अब शब्द कहा। शब्दों से मैं कोई वर्णन नहीं कर सकती और हम इतने पुण्यवान भाग्यवान हैं, एक कलाकार, इतने सारे कलाकारों को लेके संगीत नाटक अकादमी आज यहाँ पे राम जी की स्थापना में इतना बड़ा कार्य कर रही है। छोटे से सब कलाकार, पूरे हिंदुस्तान से आए हुए कलाकार, सबकी आंखों में आंसू है। अयोध्या में जन्मने का आज सुफल लग रहा है कि अयोध्या की धरती में जन्म मिला। भगवान आए हैं, कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, पूरे देशवासियों को प्रणाम करता हूँ, अयोध्या से प्रणाम करता हूँ, भगवान का स्वागत है, अभिनंदन। पहले दर्शन मिले तो जैसे राम मिल गए, प्रभु के स्मित सिक्त अधर देखे जैसे भारतीयों के भाग खुल गए, मन और अधीर हो उठा रामलला के दर्शन को। रामलला के चरण कमल दल पर हैं, आजानुभुज यानी लंबी सुंदर भुजाओं वाले और शरचापधर यानी धनुष और बाण से सुशोभित हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। वेद कहते हैं जिनके रोम रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं, वही रामलला अब हजारों वर्षों तक सनातन आस्था के प्रमुख केंद्र अयोध्या में आ चुके हैं। काल चक्र ने राम राज फिर से साधा है, रामाच्छादित भारत वर्ष के आकाश और धरा ने कलयुग में त्रेता का भाव बांधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।